ओके वेलकम बैक गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए फ्रेश वीडियो और अपडेट के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर ना काफी सारे क्वाइन जो कि क्रिसमस को लेकर उसके बाद न्यू ईयर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है और कहीं ना कहीं अपने इकोसिस्टम को, अपने वर्क को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और लोगों को सरप्राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस क्वाइन के बारे में बात करेंगे क्योंकि मेरे पास जो है ना लगभग काफी न्यूजेज है ना, मार्केट के साथ साथ कुछ क्वाइंस भी है जो कि काफी अच्छा बवाल करने के लिए रेडी है और हमें पहले जानना बहुत जरूरी है बिकॉज हम यहाँ से बेनिफिट बना सकते हैं। वीडियो मस्ट जरूरी है, लास्ट तक देखिएगा। पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जरूरी है फॉलो करना, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ग्रिप टोकन के बारे में। ऑलरेडी मैंने दूसरे चैनल क्रिप्टो इनकम के ऊपर कई सारी वीडियो अपलोड की है, लेटेस्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आपको इसका पूरा जो मैं अपडेट देने वाला हूँ ना पूरा डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। इसके सीईओ जो है जॉनी जी, उन्होंने कहा कि भैया ग्रेव टोकन का जो स्वैप जो आने वाला है इसका पूरा काम जो है फाइनल हो चुका है और काफी जल्दी जो है ना इसको हम लाइव कर देंगे। अब दो डेट मेरे अकॉर्डिंग लगता है, या तो क्रिसमस का डेट होगा जब ये लाइव कर दिया जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं न्यू ईयर के मौके पर भी चाहेंगे कि भाई हम नई चीजें को यहाँ पर लाए और इसके बाद दोस्तों अच्छा सा स्पाइक भी देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ से प्रॉफिट भी बना सकते हो, बेनिफिट भी बना सकते हो। तो इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ थोड़ा सा इस पे नजर रखना है ना, और अपडेटेड रहने का तो यही तो फायदा है ना, मेरे चैनल के साथ जुड़ने का यही तो फायदा है कि क्या चीज आ रहा है कम से कम पहले आप सभी को बता दूं। थोड़ा सा इस पे नजर बना के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अभी इस टोकन की बर्निंग और तेजी से बढ़ने वाली है। लास्ट 9th मंथ सिर्फ 9 महीने हुए इस टोकन को आए हुए, अभी तक जो है 52% टोटल सप्लाई का बर्न कर दिया है, यानी कि आने वाले समय के अंदर और भी इसकी बर्निंग रेट बढ़ेगी, बर्निंग यहां पर बढ़ने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो लेजेंडरी प्लेटफॉर्म ने यहां पर अपने आप को बैंक करप्ट घोषित कर दिया है। जहां दोस्तों अगर हम बात करें तो ये एक बिटकॉइन माइनिंग फार्म था जहां दोस्तों जिसका नाम कोर साइंटिफिक नाम था, जहां दोस्तों इन्होंने जो है कोर साइंटिफिक कर्ज ने यहाँ पर फाइल किया है बैंक करप्टेंसी, जो कि काफी कंसर्निंग था। और भाई बियर मार्केट में तो ऐसे ही होता है, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता, जब कंपनी आई थिंक सोचता कि भाई मुझे लॉस ही होने वाला है, तो क्यों ना ये एक आसान तरीका है लोगों को लॉस करवाने का। तो इस जैसे चीजों से थोड़ा सा बच के ही रहना और फंड को हमेशा डाइवर्सिफाई में, इसलिए बोलता हूँ सिर्फ क्रिप्टो में ही नहीं, हमें क्रिप्टो में भी रहना है, हमें इंडियन स्टॉक के अंदर भी रहना है, हमें म्यूचुअल फंड के अंदर भी रहना है, हमें फॉरेक्स स्टॉक के अंदर भी रहना है। हम क्रिप्टो के अंदर जैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, वैसे ओवरऑल हम जो है ट्रेडिंग की दुनिया में अपने आई थिंक फंड को पूरा का पूरा डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, ताकि अगर कोई एक इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा अगर लॉस हुआ तो दूसरा इंडस्ट्री हमें थोड़ा सा रिकवर कर देगा, ये चीज हमेशा सोचना है। इसके बारे में भी ना मैं वीडियो बना रखा हूं, तो मेक श्योर जाके जरूर देखना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों शिव नोबी सिंजा का, जो कि बहुत बड़ा धमाका आने वाला है और ये मुझे लगता है क्रिसमस के आई थिंक डेट पे हो सकता है, क्योंकि भैया शिव नोबी का एनालिटिक्स लाइव होने वाला है दोस्तों। इसके साथ साथ शिव नोबी का इको यहां पर जो है लाइव होने वाला है, जहां से आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकती हो। एक न्यू फीचर है जो कि शिव नोबी के इको सिस्टम से जुड़ रहा है और इसकी जो है लॉन्चिंग मुझे जैसा लगता है क्रिसमस के डेट में हो सकती है, तो थोड़ा सा नजर जरूर बना के रखिएगा। अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले ही माइग्रेशन किया है, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिटगर्ट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, बिटगर्ट ने यहाँ पर पार्टनरशिप किया है दोस्तों ऑन टू वॉलेट के साथ, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है दोस्तों। ऑन टू वॉलेट एक वेब 3 का गेटवे अपने आप को कहता है, जहाँ दोस्तों रेड पॉकेट वॉलेट है, तो दोस्तों काफी अच्छा खासा ये वॉलेट के ऊपर वॉल्यूम भी रहता है और कहीं ना कहीं बिटगर्ट के चेन के ऊपर आ गया है, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अमेजिंग और बिटगर्ट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। और भाई काम तो अच्छा ही कर रहा है हमारा बिटगर्ट, इसमें कोई भी शक नहीं है। फाइनल लास्ट मेगा न्यूज की बात करते हैं, ये है बेबी डॉज के रिलेटेड। जहाँ दोस्तों बेबी डॉज को लास्ट 24 आवर के अंदर 4.9 ट्रिलियन टोकन बर्न किया। अभी तक आपने अगर बाय नहीं किया ना, मुझे लगता है बहुत कम ही ऐसा चांस है जब ये 100 के नीचे आता है। अभी 90 के बाद 9 का सीरीज चल रहा, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट बाइंग बिल्कुल आपकी बनती है, दूसरी बाइंग 750 के अराउंड आए फिर आपकी बनती है,
मुझे नहीं लगता वहां से नीचे जाएगा, बहुत कम चांस है। रेयरली ऐसा कुछ हो गया तो फिर जा सकता है, नहीं तो यहाँ से रिकवरी होने का ही चांस बहुत ज्यादा है। तो मेक श्योर थोड़ा सा जरूर एक्युमुलेट इसको करना। बाकी दोस्तों ये न्यूज और अपडेट कैसा लगा आपको, मेक श्योर कमेंट के अंदर बता सकते हैं। बाकी ऐसे मेरी वीडियो के लिए हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को करके टेलीग्राम चैनल मस्ट जरूर फॉलो करना। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब आज कितना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।